आज मैं कांग्रेस पार्टी का बरेली शरीफ का जिला कार्यालय पहुँचे और हमारे सकलैन जी जिलाध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई और राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा भी हुआ कि जो हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये निर्देशक माननीय तारिक अनवर कृषि राज्य मंत्री पार्टी के जनरल राष्ट्रीय सिक्योरिटी केरला प्रभारी जी का, इसलिए कि मैं यहाँ ताजू सरिया रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और बहुत ऐसे माहौल बदल दिए हैं जब से ये परवीन एरन टिकट लेके और वो पार्टी के इतनी बड़ी एक साल के मेहनत किया हुआ हमारे छोटी बहन प्रियंका गांधी जी के ऊपर पानी फेरा कि वो सापा में चला गया। उसको ये चीज़ करना था तो ये पहले कर लेता, पार्टी से उसने खिलवाड़ किया, लेकिन ये हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी जो हैं बरेली शरीफ का, जो कि इन मजबूत कांग्रेस के करने में कामयाबी पा रहे हैं और मुझे उम्मीद लगता है कि जिस हिसाब से प्रत्याशी यहाँ चुनाव मेहनत से लगन से लड़ रहे हैं, जो हमारे प्रियंका गांधी जी ने नारा दिए हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वोट ज़्यादा से ज़्यादा पाएगा, जीत हासिल होगा यहाँ के प्रत्याशियों का। और जब जीत हासिल हो जाएगा तो जो ने हमने वादा घोषणा पत्र में दिए हैं कि साल में 3 सिलेंडर और महिलाओं को मोबाइल, बच्चों को तालीम करने के लिए स्मार्टफोन, स्कूटी, ये कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। कि हम लोग के पार्टी में कुछ झूठा आश्वासन नहीं होता है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं। कि हम लोग के राजनीतिक देश के ऊपर है। आज ये हालात है कि पूरे मुल्क का कि आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है। अभी कल हमने गए एक प्रत्याशी थे संतोष भारती, जबकि इस हुकूमत में वहाँ मोहल्ले में कोई शौचालय नहीं मिला, ना कोई रोड का विकास मिला। जब ये सरकार ये बता रही है कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना तो गंदगी से आता है, कोई विकास वहाँ हमको देखने मिला ना कोई रोड देखने के मिला, बेचारे गरीब लोग यूँ ही ठंडक में है, ना कोई जलाओ के लकड़ी कोई सरकार ये दी है। इस तरह से मेरी हुकूमत में कोई परेशान जनता नहीं था, जो आज ये जनता की हालत है। राजेंद्र सागर, जिला प्रवक्ता, कांग्रेस कमेटी बरेली। चुनाव चल रहा है, इसको क्या करना है? हम बड़ी मजबूती के साथ 9 की 9 विधानसभाओं पे बरेली में चुनाव लड़ रहे हैं और जो प्रियंका दीदी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उस पर हर बहुत समर्थन मिल रहा है जनता का और पूरी तरीके से जनता इस समय बदलाव चाहती है और प्रियंका दीदी को एक उम्मीद भरी नज़र से यूपी की जनता देख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी, किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार, गरीबी, महिलाओं को साथ जो है अत्याचार, तो उसमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि बदलाव हो और उस बदलाव को प्रियंका जी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और निश्चित ही 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और प्रियंका दीदी जी के नेतृत्व में यहाँ एक नई सरकार का गठन होगा और बरेली में हम 9 की 9 विधानसभाओं पर मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उनने संगठन तैयार किया है बरेली का, वो अपने आप में एक मिसाल है और प्रभारी जी भी, हमारे जितेंद्र कश्यप प्रभारी जी भी बड़ी मजबूती के साथ बरेली को मजबूत किया है और तमाम हमारे साथी, हमारे जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा जी हैं, हमारी पाकिजा खान जी हैं और तमाम हमारा संगठन जिसने पूरी मेहनत की है, वो इस 14 फरवरी के चुनाव में सब सामने आ जाएगा और बड़ी मजबूती के साथ हम 9 की 9 विधानसभाओं पे लड़ेंगे और पूरी फाइट करेंगे और हम जीतेंगे।
मैं दिनेश दद्दा, जिला उपाध्यक्ष प्रशासन। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि आपके लिए कैंडिडेट जिसको टिकट दिए वो चला गया, उसके बाद आपने दूसरी पार्टी लोगों को टिकट दिया है, किस तरह से आप अपनी जीत को हासिल करना चाहते हैं? मान्यवर, कांग्रेस एक समुंदर है, एक दो लोटे पानी चले जाने से समुद्र में मैं नहीं समझता कोई इसी तरह का कोई अंतर आएगा। ये बड़ी पार्टी है जिसका सैकड़ों वर्ष का इतिहास है, लगातार संघर्ष करती रही है, लोगों के बीच में जाती रही है। इस बार के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी से अलग जो लोग हैं, जिनका विचारधारा उनसे अलग है, उन सब ने इस बार मन बनाया है कि एक नई सरकार बहन प्रियंका दीदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आएगी, ऐसा मन लोगों ने बना लिया है। और उसी के हिसाब से मैं समझता हूँ 9 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी लगातार कार्य कर रहे हैं, चुनाव की बेला है, सब लगे हुए हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है, न्याय पंचायत ब्लॉक स्तर और तमाम पदाधिकारी हमारे निकले हुए हैं रोज, तभी सभी 9 विधानसभाओं में अलग अलग जिनकी ड्यूटी नियुक्त कर दी जाएगी की गई है, वो सारे लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पार्टी इस तरीके से काफ़ी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। मैं पाकिजा खान, कांग्रेस में जिला महासचिव हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव को बस यही है, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष साहब ने मेहनत करी है, हमें उम्मीद है, और प्रियंका दीदी ने जो नारा लिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसमें हम जीत होके दिखाएं।